श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सुपान। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीशुरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेयहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूडामणिम। शांत सनातन अप्रमेय है, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कपी बिलो की दसानंद पिहता कही दुर्बार सुत पद तुरत की हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र बध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बहलन के कवन तय की सा के बल घाले बन की सा की दो श्रवण सुनी नहीं मोही देखियऊ अति असंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा अरे बानर तू कौन है किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना। अरे सठ मैं तुझे अत्यंत ही निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जात बल बिर जति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा अरे मूर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है। हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है जाके बल बिरंचि हरि ईसा पालत सजत हरत दश सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंड कोष समेत गिरी कानन। जिसके बल से दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं जिसके बल से सहस्त्र मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्राह्मण को सिर पर धारण करते हैं। धर ही सो विविध देह सुरत्राता तुमसे सटन सिखावनु दाता हर को दंड कठिन जही भंजा ते समेत नप दल मद गंजा। जो देवताओं के रक्षक के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राक्षसों के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली बंधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लबलेश थे जीते हूँ चराचरी धारी तास दूत मैं जा करे हरियाणे हूँ प्रिय नारी।
जिसके निर्माण से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी पत्नी को तुम चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जान हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन करी जसु भावा, सुनी कपि भजन भी हंसी बिहेरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहस भाव से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभा होते तोरे रूखा, सबके देन परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। निशाचरों के मालिक देन सबको दिए है, कुमार पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे हो तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैलाजा, कीनी चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध दिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनो मान तजे मोर सिखावन, देखूं तुम निज उन्हीं बिचारी, प्रम तजी भजहु भगत भयारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, और भ्रम को छोड़कर भक्त भय हारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चरा चर आई, सासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा सकता है, वो काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि भय न करो और मेरे कहने से ज्ञान की जी को दे दो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु करारी, गए शरण प्रभु राखी हैं अब अपराध बिसारी। खल के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं, शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। बोलिए श्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।